मामा जानी, मेरी प्यारी मामा जानी, कहाँ हैं आप? आ गई मेरा प्यारा बेटा छोटू, क्या बात है बेटा, सो जाओ ना। मामा नींद नहीं आ रही, आपको पता है जब तक आप कहानी नहीं सुनाती मुझे नींद नहीं आती। हाँ जानती हूँ। चलो आज मैं अपने बेटे को एक और प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें नाग राजा, नाग रानी और उनकी छोटी सी डोर नाग गुड़िया रहती है। समंदर के बीचों बीच एक नाग महल होता है, जो नाग राजा और नाग रानी ने बनाया होता है। वो बहुत उसकी हिफाजत करते हैं। एक दिन काला नाग, काला नाग कहाँ हो तुम? हाजिर हो जाओ, मुझे बात करनी है। जी हजूर, जी हजूर, मैं आ गया आपकी खिदमत में, हुक्म कीजिए। मैं और नाग रानी जा रहे हैं कुछ दिन के लिए। काले नाग, आपसे अच्छी उम्मीद करते हैं कि आप नागमणि की और छोटी रानी की हिफाजत करेंगे। जी नागरानी साहिबा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। छोटी रानी, नागराजा, नागराना मुझे आपकी हिफाजत के लिए छोड़ कर गए हैं, साथ में नागमणि की भी हिफाजत का कहा है। आप कहीं मत जाइएगा, आपकी जान को खतरा है। काले नाग, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। नागमणि की हमें हिफाजत करनी है, वो तुम मुझ पे छोड़ दो नागरानी। छोटी नागरानी, छोटी नागरानी, हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बताइए, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल कोई काम नहीं है, काला नाग हिफाजत कर रहा है मणि की, आप लोग अभी जा सकती हैं, अभी आपकी ज़रूरत नहीं। ये पीछा कब छोड़ेंगे नागमणि का? ये दो नाग तो उसके रखवाले बन के बैठे हैं। नागमणि मुझे नहीं मिली तो मुझे तो काली नागन मार देगी। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे नागमणि किसी भी हाल में चाहिए, तो तुम लेकर क्यों नहीं आई? काली नागन, वहाँ तो दो नागों का सपेरा है, दो नागों ने वहाँ पहरा दिया हुआ है, मैं कैसे लेके आती? अगर नागमणि तुमने मुझे लाकर नहीं दी तो मैं तुम्हें मार दूंगी, दोबारा तुम कभी जिंदा नहीं हो सकोगी। काले नाग, काले नाग, आपको कहीं जाना है तो आप चले जाओ, कब तक नागमणि का पहरा देते रहोगे? चल्लाक काली नागन, जानता हूँ तेरे इरादों को। काला नाग तो नागमणि को हर जगह लेकर जा रहा है, समंदर के बीचों बीच, कभी समंदर के बाहर, अब हम नागमणि कैसे हासिल करें? काले नाग को सबक सिखाना पड़ेगा, वो काले नाग को बहुत मुश्किल में डाल देती हैं, एक चील भेज देती हैं जो काले नाग से मुकाबला करती है। काला नाग बहुत गुस्सा होता है, जानता हूँ चील तुम्हें किसने भेजा, काली नागन ने भेजा, उसकी ये वाली कोशिश तो मैं नाकाम कर दूंगा, आज मैं तुझे मार दूंगा। और नाग रानी, नाग राजा से बोलकर इन्हें महल से निकलवा दूंगा। छोटी नागरानी, काली नागन ने मुझ पे हमला करवाया, ये नागमणि हासिल करना चाहती है। काली नागन, तुम यहाँ से जा सकती हो, तुमने कैसे नागमणि पे गंदी नज़र रखी और साथ में काले नाग पे हमला करवाया? आने दें आप, मैं आज सब कुछ बता दूंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नागमणि काली नागन ने ना ली। काले नाग, हाजिर हो जाओ। आ गया हजूर, आ गया। मैंने नागमणि की हिफाजत की, काली नागन ने मुझे भी नुकसान पहुंचाया और नागमणि को भी, पर मैंने उसकी दिल से हिफाजत की और छोटी रानी की भी।
कालीनाथ, हमें आपसे यही उम्मीद थी, आपने हमारी उम्मीदों को पूरा किया। फिर वो नागरानी नागराजा खुशी खुशी अपने महल में वापस आ जाते हैं और महल का पहरा भी देते हैं और साथ में हंसी खुशी जिंदगी भी गुजारते हैं और काली नागन को हमेशा के लिए नाग महल से निकाल देते हैं। तो छोटू, कैसी लगी कहानी? मामा, बहुत प्यारी कहानी है, कितनी खूबसूरत कहानी है, ऐसी कहानियाँ सुनाया करो ना। अच्छा मेरा प्यारा बेटा छोटू, ऐसी ही कहानियाँ सुनाऊंगी, अब रात बहुत हो चुकी है बेटा, सो जाओ। देर तक जागना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।